ठीक है गाइस, तो आइए आज हम आप लोगों को बताते हैं कि पेठा कैसे बनाया जाता है। आइए हम आप लोगों को दिखा रहे हैं किस तरह से बनाया जा रहा है पेठा। तो प्लीज़ गाइस, आप लोग हमारे चैनल में बने रहिएगा और जो है कि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब सपोर्ट ज़रूर करिएगा। तो गाइस देखिए, ये पेठा पहले से बनाकर रख दिया गया है। अब दूसरा हम पेठा आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं कि कैसे बनाया जा रहा है। ये देखिए, बन चुका है पेठा, तैयार पेठा इस कुछ इस तरह से देखिए है, बहुत ही मस्त है गाइस। तो गाइस देखिए, जो पहाड़ी कोहरा होता है जो है कि हर जगह फरता है, उसको पहले जो है कि काटा गया अच्छे से छील करके, फिर इसके बाद उबाल दिया गया है। अब इसको देखिए गाइस, सिरे में इसको पकाया जा रहा है। उबालने के बाद पहले उबाला गया था, फिर उसके बाद निकाल करके शक्कर में जो है कि जिस तरह से गुड़ पकाया जाता है, इसको अच्छी तरह से इसमें पका दिया जा रहा है। तो ये बहुत ये खुद पक करके सूखा हो जाएगा अच्छी तरह से, जब ये बन जाएगा तो बहुत ही परफेक्ट होगा गाइस। तो देखिए कितना अच्छा ये जो है कि बनता है, क्या कहते हैं इसको, पेठा तो घरों में बनाया जाता है। देखिए यहाँ पर बना करके रख दिया गया है, बहुत ही मस्त पेठा है, हम तो खा भी चुके हैं। तो गाइस आप लोग भी आइए, लेकर जाइए दुकान से, हमारे दुकान के बगल में है, सुत्रीगंज चौराहा पर, बहुत ही बेस्ट पेठा है, बनाया जा रहा है। तो हम तो आपको दिखा दिए कि किस तरह से बनाया जा गया था। तो गाइस पहले जो है कि छुआ कोहड़ा जिसको कहते हैं पहाड़ी कोहड़ा, उसको अच्छे से कोहड़ा के ऊपर से उसका छिलका उतारा गया था, पहले उतार करके उसका बिया हुआ पूरा निकाल दिया गया था। निकालने के बाद इसको उबाला गया था गाइस। तो उबालने के बाद फिर इसको सिरा में पकाया गया। पकाने के बाद देखिए गाइस, कुछ इस तरह से इसका कलर आया है, इसका टेस्ट इस तरह से अच्छा, कितना अच्छा लग रहा है। तो बहुत ही अच्छा ये जो है कि तीखा है, स्वादिष्ट है। तो गाइस ये है पेठा, देख लीजिए आप लोग भी, बहुत ही मस्त पेठा है, बहुत ही आसान तरीके से बनाया गया है, बहुत ईजी है। देखिए किस तरह से है, आप लोग लेकर जाइए, हम आपको बताते हैं कैसे बनाया गया है। अब बना ले लेना, अब डाल दे।